एक दुखद खबर आ रही जनपद फिरोजाबाद से, जहां मामा भांजी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। संदिग्ध परिस्थितियों में मामा भांजी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। दुपट्टा के फंदे से छत से लगे कुंदे पर लटके मिले दोनों के शव। इटावा निवासी मामा का भांजी के साथ मिला शव। आइए देखते हैं फिरोजाबाद से ये दुखद रिपोर्ट। सर जी, नगला हरी का क्या मामला है? नगला हरी में कल शाम को हमको सूचना मिली थी कि एक 27 वर्षीय युवक ने और एक 18 वर्षीय लड़की ने, इन दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो वहाँ पर मौके पर हम सभी लोग पहुँचे थे, मैं भी था, इंस्पेक्टर साहब चौकी प्रभारी आ रहा हूँ। तो वहाँ पर अब इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और बाकी पोस्टमार्टम के लिए दोनों शव जो थे उनको भेज दिया गया था कल रात को ही। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है, उसमें मृत्यु के एग्जैक्ट जो भी कारण है उनके बारे में जानकारी हो सकेगी, उसके बाद ही हम इस मामले में कह पाएंगे कि आत्महत्या या कुछ और है। तो अभी संदिग्ध है ये पूरा मामला, तो मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह की चोटें थीं शरीर पर, कोई अन्य चोट तो दिखाई नहीं दी थी, बाकी पोस्टमार्टम में डॉक्टर साहब जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे चीज़ें। और इसमें ये दोनों रिश्ते में मामा भांजी लगते थे, ये लड़का इटावा का रहने वाला था और लड़की नगला हरी की। तो बाकी इसमें जाँच की जा रही है, जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि उसी के अनुसार इसमें आगे बढ़ा जाएगा। प्रेम प्रसंग का मामला लगता है? ये परिवार के लोगों ने यही बताया है कि इनके दोनों की बातचीत काफ़ी समय से होती थी, इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। बाकी तो ये है कि और जांच के बाद ही इसमें डीपली हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि फांसी लगाई है इन दोनों ने स्वयं के, क्योंकि घर अंदर से बंद था, इसको ऊपर से फिर जाके खोला गया है दूसरे रास्ते से। तो बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है, उसके बाद ही हम स्पष्ट रूप से कुछ कह सकेंगे।